सभी किसान साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई संजीव सारण। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नींबू के बारे में कि हमको उत्तर भारत में, मध्य भारत में या कहीं पर भी कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। सभी किसान साथी चाहते हैं कि हमारा नींबू का फल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ पे आए और बेचे मार्केट के अंदर। लेकिन वैरायटियों के फल तैयार होते हैं 10वें महीने में, 12वें महीने में, पहले महीने में। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि नींबू की खेती आपको करनी है, जो वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ, जिसके मैंने अपने खेत में पौधे लगा रखे हैं, 500 पौधे लगा रखे हैं साथियों, तो वो वैरायटी का नींबू आपको फल अगर मार्च, अप्रैल, मई में बेचना है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा 4 साल का कम से कम। फ्रूटिंग तीसरी साल भी आ जाएगी, लेकिन अच्छा उत्पादन 4 साल में स्टार्ट होगा साथियों। उन वैरायटियों में सबसे मुख्य वैरायटी है बालाजी, जो तिरुपति बालाजी भगवान के नाम से उस वैरायटी का नाम रखा गया है। फेमस वैरायटी है बालाजी। जगह जगह बोलते हैं हमारे पास बालाजी, लेकिन वो होती नहीं है। ओरिजिनल वैरायटी की बात कर रहा हूँ, बालाजी। दूसरी वैरायटी है साथियों साई सरबती, और एक तीसरी वैरायटी है जो नागपुर CCRI सेंटर है, जो सीट्रस का सबसे बड़ी सरकारी नर्सरी कह सकते हैं, हमारे अनुसंधान केंद्र है नागपुर का, उन्होंने तैयार की है वैरायटी NRCC 8। ये 3 वैरायटी है। तीनों का फल सुंदर, गोल, चमकदार और भारी रस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। इनकी खेती आप करेंगे तो ही आपको नींबू की बागवानी फायदे की होगी, फिर आप उसमें मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई में आप फल बेच सकते हैं। दूसरा साथियों, काफ़ी लोग कहते हैं बोला 12 मासी कागजी फलाना दिमका, इस चीज़ में उलझाए रखते हैं, खासकर ये कलकत्ता वाले लोग। तो किसान साथियों, पर बीच में बात रोकूंगा, ये कलकत्ता वालों से आप परहेज करें, ठीक है। वहाँ की कुछ वैरायटियों को छोड़ के आपको बेर वगैरह लेना है तो ले लो, वहाँ का नींबू हमारे एरिया में सूट नहीं करता। वो छोटे से पौधे के फल तो लगा दिखाई देते हैं, लेकिन वो पेड़ है ना, बड़ा होता है ना, तो वो फल बहुत ही कम लगता है और उसका साइज़ भी अच्छा सुंदर नहीं बनता है। तो ये कोलकाता पत्ती वगैरह इनसे आप परहेज करें, ये अच्छी वैरायटियाँ नहीं है हमारे एरिया के लिए खासकर। तो हम बात करते हैं साथियों NRCC 8 की। इसका फल गुच्छों में लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक समान सी वैरायटियाँ सभी। बस नींबू चमकदार होना चाहिए, 35-40 ग्राम का नींबू होना चाहिए, भरपूर रस होना चाहिए और 15-20 दिन तक वो ख़राब ना हो, ऐसा हमको वैरायटी लगानी चाहिए। तो ये 3 वैरायटी जो आपको बताई है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बालाजी, साई सरबती और NRCC 8। ये देखो किसान साथी, ये हमारे पास NRCC 8 के पौधे हैं। ज़्यादा पौधे नहीं होते हमारे पास, ये थोड़े मिलते हैं, थोड़े होते हैं। ये साई सरबती है, देखने में सभी एक जैसा सा होता है, और बालाजी है। अब बात करते हैं साथियों इनकी पौधे लगाने की दूरी के बारे में। काफ़ी नर्सरी वाले इनको 10x10 पे भी लगवा देते हैं। तो साथियों, इसकी जो सही दूरी है ना पौधे लगाने की, कम से कम बोल रहा हूँ 16x16, इसके ज़्यादा आप 20x20 पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहते हुए ज़्यादा पौधे लगे तो 16x16 से तो कम जाना ही मत कभी भी। 17x17, 18x18, 20x20 तक जाते हैं, क्योंकि पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। छोटा सा पेड़ आपको दिख रहा है 2 फिट का, ये 1 साल के अंदर ही ये 4 फिट का बढ़िया बोझेदार झब्बर सा पेड़ बन जाएगा, और 2-3 साल में तो भरपूर बढ़िया पेड़ बनेगा। इसमें कांटे होते हैं तो थोड़ा खुला ही ठीक होता है लगाना इनको। फिर साथियों, एक वैरायटी आती है कुंभकाट, जिसके बारे में पूरी डिटेल की मैंने अपने बाग की वीडियो बना के रख रखी है, 2 साल पहले बना रखी है साथियों। काफ़ी लोगों ने देख रखी है मेरी वीडियो को कुंभकाट की, तो पूरी डिटेल उस पर दे रखी है हमने। वो वीडियो नंबर शायद 15 या 16 है, आप देख सकते हैं इसी चैनल पे हमारे। तो वो वैरायटी का नींबू
ज्यादातर उसमें उत्पादन जल्दी आ जाता है, वो 2 साल में बढ़िया उत्पादन देने लग जाता है, लेकिन उसका ज़्यादा भाव मौके की बात है, डिमांड की बात है। नहीं तो उसका ज़्यादातर उसका नींबू जो तैयार होता है ना साथियों, वो 10वां 11वां 12वां पहला बस ये 4 महीने यहाँ पे तैयार होता है नींबू। वो इस दौरान आपको 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये भी भाव मिल जाता है, अन्य समय में वो नींबू तैयार नहीं होता है। उसका छिलका बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, चाकू से काटने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे मसल दिया तो वो रस निकल जाता है उसका। तो साथियों सबसे अहम बात भी नींबू में इन वैरायटी से ऊपर कोई वैरायटी नहीं है। वैसे वैरायटियाँ 20 हो चाहे, मैं भी 20 रख लूँगा अपनी नर्सरी में लाके, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो वैरायटी है ना ये बालाजी साई सरबती और NRCC 8। NRCC 7 भी इतना अच्छा नहीं है, 8 ज़्यादा बेटर है उससे। बालाजी सबसे उत्पादन में नंबर 1 है और इसके फल भी काफ़ी दिन खराब नहीं होता है, बहुत अच्छी वैरायटी है बालाजी। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों, हम मेरी दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ की कमी रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे पास A to Z सभी वैरायटी का ओरिजिनल पौधा उपलब्ध होता है, ओरिजिनल बिल के साथ। आप किसान साथियों को सब्सिडी चाहिए, NHB अप्रूव्ड बिल हम देते हैं। नींबू हो, मौसमी हो, माल्टा हो, अमरूद हो, बेर हो, आड़ू हो, सभी वैरायटी का बिल हमारे पास है। तो किसान साथियों वीडियो शेयर ज़रूर करना। सभी को नमस्कार।